नागपुर में इंसानियत और रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां मां का प्रेमी ही 16 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करता रहा। सबसे अहम बात यह है कि सगी मां को इसकी जानकारी थी, बावजूद इसके मां ने अपने प्रेमी का साथ दिया। अब पुलिस ने मां और उसके कथित प्रेमी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। दरअसल जरीपटका पुलिस थाने में 2 अक्टूबर को एक 16 वर्षीय किशोरी के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 11 अक्टूबर को इस नाबालिग किशोरी को ढूंढ कर जब पूछताछ की, तब पुलिस के भी होश उड़ गए। पुलिस को पता चला कि मां के प्रेमी की यातनाओं से तंग आकर ही ये किशोरी अपने दोस्त के साथ घर छोड़ के चली गई थी। पीड़ित लड़की के पिता की साल 2019 में बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। किशोरी की एक 14 वर्षीय छोटी बहन भी है। उसकी मां लोगों के घर में झाड़ू बर्तन का काम करती है। बताया जा रहा है कि आरोपी कलमना निवासी रोहित चौरे के साथ उसकी मां के प्रेम संबंध थे, लिहाजा आरोपी अक्सर उसके घर में आता जाता था और महिला मित्र के साथ शराब पीने के बाद अक्सर आरोपी रोहित चौरे किशोरी के घर पर ही रुक जाता था। 12 जून को आरोपी ने शराब के नशे में पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए और अगली सुबह जब आरोपी के घर से चले जाने के बाद पीड़िता ने इस बात की जानकारी मां को दी तो उसने बेटी को शांत रहने की सलाह दी। इसके बाद आरोपी ने उसके बाद भी जबरदस्ती पीड़िता के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। इसी दौरान पीड़िता को पता चला कि उसकी 14 वर्षीय छोटी बहन के साथ भी आरोपी ने अश्लील हरकत करने की कोशिश की है। ये बात पीड़ित किशोरी को सहन नहीं हुई और उसने आरोपी के साथ झगड़ा किया और अपने दोस्त के साथ घर से चली। इस मामले में पुलिस ने मां को पॉक्सो की धारा के तहत गिरफ्तार किया है, साथ ही आरोपी रोहित चौरे की तलाश कर रही है। तारीख 4/10/2023 को जरीपटका पुलिस स्टेशन में एक 363 IPC के तहत गुना दाखिल हुआ, जिसमें एक 16 साल की बच्ची जो है वो मिसिंग थी। उसमें हमने जब लड़की को रेस्क्यू किया और उसको पूछताछ की, लड़की हमें 10 अक्टूबर 2023 को शाम में मिली। जब हमने लड़की से पूछताछ की तब लड़की ने बताया कि उसके पिताजी मर चुके हैं 2019 में ब्रेन हैमरेज से, और उसके बाद से मतलब पिछले 2 साल से पीड़िता की जो मम्मी है उसका बॉयफ्रेंड है, जो उसके साथ हमें उसके घर पे हमेशा आता जाता था। उसके मम्मी और आरोपी ये दोनों हमेशा साथ में शराब वगैरह पीते थे, और जब उसकी मम्मी शराब के नशे में रहती थी उसके बाद आरोपी जो है पीड़िता के साथ लैंगिक अत्याचार करता था, उसका बलात्कार करता था। ये बात जब उसने आरोपी ने पहली बार उसके साथ ये अत्याचार किया तो पीड़िता ने ये बात अपने मम्मी को बताई, लेकिन मम्मी ने उस पर भरोसा नहीं किया। इस वजह से आरोपी रोहित चौरे ने कंटिन्यू 3 दिन तक उस लड़की के साथ वही हरकत की। उसके बाद आरोपी ने खुद उसके मम्मी को बताया कि मैंने तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा ऐसा किया है, पर फिर भी पीड़िता की मम्मी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उसको इस बात पर टोका नहीं, और ऐसा करने से वो बार बार उस लड़की के साथ अत्याचार करता रहा। जब लड़की ने हमें ये सारी बातें बताई तो हमने लड़की की मम्मी पर कलम 21 पोक्सो एक्ट और आरोपी रोहित चौरे इस पर IPC 376(2)(n) पोक्सो कलम 4(8) और बाल न्याय अधिनियम कलम 75 के तहत गुना दाखिल किया है। इसमें आरोपी अटक हैं कितने? इसमें पीड़िता की मम्मी जो है उसको तुरंत अटक कर दिया है हमने, और आरोपी जो मेन आरोपी है रोहित चौरे उसकी खोज चालू है।